क्या सुंदर मंदिर है भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें लाइट जल जाता है तो और भी चार चांद लग जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। और अभी मैं मौजूद हूँ दुर्गापुर के शिव शक्ति धाम में। यही सामने हमें टीका वाला दिख गया है और देखिए कितना मस्त लग रहा है टीका, इस पे त्रिशूल भी बना हुआ है। ये है इसका मेन गेट और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। गेट से एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा तालाब है और यहाँ से मंदिर की खूबसूरती थोड़ी और बढ़ जाती है। मंदिर प्रशासन द्वारा सारी चीजों की बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है, साफ सफाई हो, पीने का पानी हो। यहाँ से एंटर करते हैं और देखिए ये है इसका पूरा का पूरा मेन कैंपस। बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही ज्यादा अंदर से भी खूबसूरत है। अभी चल रहा है मंदिर में आरती और आप देखिए भक्तों की भीड़ कितनी जुटी हुई है, पूरा का पूरा मंदिर भरा हुआ है। हमें एक कमल का फूल भी मिला है शिव जी के चरणों से। अभी मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में अंदर से मंदिर कितना ज्यादा खूबसूरत है, कितनी डिटेल वर्क की गई है यहाँ पे। वो यहाँ अगर आप पत्थरों की नकाशियाँ देखें या फिर उस पे बनाई गई ये मूर्तियाँ जो कि शिव जी की हैं और कार्तिकेय जी की हैं। आज की पूजा समाप्त हो गई है और अभी चलते हैं प्रसाद के लिए बाहर। बाहर से मंदिर देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और इसमें लाइट जल जाता है तो और भी चार चांद लग जाता है इसकी खूबसूरती में। अभी देखिए प्रसाद के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, हम लोग लगे हैं बिल्कुल पीछे। करीब आधा घंटा हो गया और अभी भी हमारे पास इतनी लाइनें और बची हुई हैं। हल्का अंधेरा हो गया है और अभी भी लाइन लगी हुई है। देखिए वहाँ पे प्रसाद मिल रही है और हमें ऐसे करके वहाँ से घूम के आके प्रसाद लेना होगा। वहाँ से फाइनली प्रसाद मुझे मिल गई है। मैं एंजॉय करता हूँ यहाँ के स्वादिष्ट प्रसाद को और आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन।